हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपके इंग्लिश रीडर की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीडर में मैंने कल आपको चैप्टर 8 उसकी रीडिंग कराई थी। जो क्या था चैप्टर 8 हमारा था, तिरंगा। हमने तिरंगे के बारे में सब कुछ पढ़ा था। एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने तिरंगे के बारे में पढ़ा था कि तिरंगा हमारे लिए क्यों स्पेशल है, 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है वो हमारे लिए क्यों स्पेशल है, उस पर क्या क्या होता है। और हमने तिरंगे में जो पढ़ा था कि हमारा इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ था, तभी से हम ये दिन मनाते हैं। और हमारा जो मेन फंक्शन होता है ये कहाँ होता है, रेड फोर्ट पर, जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो तिरंगे के अंदर 3 कलर्स होते हैं उनके बारे में हमने सब पढ़ा था, ठीक है। आज मैं इस रिलेटेड आपको वर्ड मीनिंग्स करा रही हूँ। पहले ये सब ही आपको कॉपी में करना है, वर्क जो मैं कॉपी में दे रही हूँ वही कॉपी में। ये नहीं है कि आप कॉपी में सारा उतारेंगे बुक का। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, होलीडे। होलीडे क्या होते हैं, छुट्टी का दिन। नंबर टू, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होता है, स्वतंत्रता। सेलिब्रेटेड, मनाना। फंक्शन, समारोह। सैक्रिफाइस, बलिदान। प्रॉस्पर्टी, उन्नति। स्पेशल, विशेष। होस्टेड, फहराया, ठीक है। ये हो गए वर्ड मीनिंग। ये आपको हिंदी में ही लिखने हैं, आपकी बुक में इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है। अभी आप ये इनको हिंदी में ही मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द कलर्स इन अवर नेशनल फ्लैग। जो हमारे नेशनल फ्लैग में कलर्स हैं उनके नेम देनी है। द कलर्स इन अवर नेशनल फ्लैग आर डीप सैफरन, केसरी, फिर वाइट एंड आर ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, विच कलर इज इन द मिडिल। मिडिल में कौन सा कलर होता है, यस, व्हाइट कलर इज इन द मिडिल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर। ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रॉस्पर्टी। ग्रीन कलर किसका प्रतीक होता है, उन्नति का। व्हाट डज द सैफरन कलर स्टैंड फॉर। सैफरन कलर स्टैंड फॉर सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस मीन्स, यस, बलिदान। नंबर 5, हाउ शुड वी स्टैंड वेन द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड। हाउ शुड वी स्टैंड, हमें कैसे खड़े होना चाहिए जब हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो होस्टेड होता है। वी शुड स्टैंड इन अटेंशन वेन द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड। जब नेशनल फ्लैग होस्टेड होता है तब हम किस पोजिशन में खड़े होते हैं, अटेंशन पोजिशन में। अटेंशन पोजिशन, जैसे ही नेशनल फ्लैग होस्टिंग होता है तभी हम अटेंशन पोजिशन में तुरंत होकर अपना नेशनल एंथम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज बच्चों ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करा दिए। इसके बाद बुक में पेज नंबर 28 पर यहाँ पर फिलअप्स दिए हुए हैं, यहाँ फिलअप्स फिल करेंगे। 1, सबसे नंबर 1 है, द हॉलीडे इज ऑन अकाउंट ऑफ द डैश। किस के उपलक्ष्य में हॉलीडे हो रही है, इंडिपेंडेंस डे। नंबर 2, इट फॉल्स ऑन, किस दिन आता है एवरी ईयर, 15 अगस्त। नंबर 3, डैश ऑन अगस्त 15, 1947, इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है। नंबर 4, द मेन फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे टेक प्लेस एट द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट की प्लेस पर होता है। नंबर 5, द प्राइम मिनिस्टर अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पर जो फ्लैग होस्टिंग होता है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करती है। अवर नेशनल फ्लैग हैज डैश, अवर नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स। देयर इज अ व्हील इन द सेंटर। सेंटर में क्या होता है, व्हील। द व्हील हैज डैश, द व्हील हैज 24 स्पोक्स, ठीक है। तो ऊपर देखो यहाँ पर आपको हिंट के लिए सभी दिए हुए हैं, इसी में से हमने ये फिल करे हैं। ये फिलअप्स आप ओनली बुक में कर लेंगे, इनको कॉपी में मत करना। कॉपी में